हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम यहाँ पर क्लास 8 के इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और इसमें आप हनी ड्यू बुक का चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर मैंने आपको इसका लेसन 1 द क्रिसमस प्रेजेंट, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड पढ़ा दिया है। लाइन टू लाइन मैंने आपको हिंदी में एक्सप्लेन करके बताया है। अब यहाँ पर हम चैप्टर 2 द सुनामी चैप्टर पढ़ेंगे और मैं आपको लाइन बाय लाइन इसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन बताऊंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे आपको इंग्लिश मैथ पढ़ाती हूँ, अगर आपको ये अच्छा लगा तो मैं इंग्लिश का भी सिलेबस आपके साथ कंटिन्यू करूंगी और फिर ग्रामर भी हम पढ़ेंगे इसके लिए, ठीक है? तो अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगी आगे। चैप्टर का नाम है सुनामी, ठीक। सुनामी आप लोग जानते होंगे किसे कहते हैं। जब समुद्र में, सागर में क्या होता है, तूफान आता है, उसको हम क्या कहते हैं, सुनामी। जिसमें कि बहुत ज्यादा हाई टाइड्स उठने लगती हैं, ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं और काफी इसमें तबाही होती है, काफी डिस्ट्रक्शन होता है, उसे हम लोग सुनामी कहते हैं, ठीक। तो इसमें आपको क्या बताया गया है इस चैप्टर में, बिफोर यू रीड लुक एट द मैप ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड गिवेन हियर। तो ये यहाँ पर ये जो सुनामी है यहीं से ओरिजिनेट हुआ था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो अंडमान निकोबार आइसलैंड है, इसको आपको यहाँ पर इसमें दिखाया है और यहाँ पर इसमें बड़ा करके इन्होंने दिखाया है कि ये लोअर अंडमान है इधर से ये, और ये मिडिल अंडमान है और ये ऊपर वाला, मीन्स यहाँ पर ये नॉर्थ अंडमान है, ये मिडिल है और ये यहाँ पर लोअर है, और यहाँ पर इसकी जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। अंडमान सी ये पूरा यहाँ पर दिख रहा है और लिटिल अंडमान इसे कहते हैं, जो बिल्कुल अलग पार्ट है, ठीक। इसके अलावा इसमें और इन्होंने दे रखा है कि ये अंडमान हो गया और निकोबार क्या है, ये इंडियन ओशियन है पूरा, ये पूरा आपका जा रहा है इंडियन ओशियन, और यहाँ पर ये जो इलाका है ये पूरा इतना, तो ये निकोबार में आता है, जिसमें कि ये कार निकोबार है और ये कच्छल है, नॉन कौरी है, लिटिल निकोबार है और ये यहाँ पर ग्रेट निकोबार, ठीक है। तो ये पूरा आपको इसमें मैप में इन्होंने बताया है कि किस जगह पर ये घटना और इंसिडेंट हुई थी। नाउ रीड द सेंटेंस बिलो, रीड एट द इनकरेक्ट वंस आफ्टर करेक्टिंग द मिस्टेक्स, ठीक है। ये आपको एक्सरसाइज में बाद में करना है। तो हम चैप्टर रीड करते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा पढ़ लेते हैं कि सुनामी इज अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कॉज्ड बाय अर्थक्वेक अंडर द सी, कि समुद्र के नीचे जो बहुत एक भूकंप आता है जिसे हम अर्थक्वेक कहते हैं इंग्लिश में, अर्थक्वेक की वजह से जो बहुत बड़ी बड़ी और बहुत ताकतवर लहरें उठती हैं उनको हम सुनामी कहते हैं, ठीक है। तो 26 दिसंबर 2004 की ये घटना है जब सुनामी ने हिट किया था थाईलैंड को और पार्ट ऑफ इंडिया, तो इंडिया के कुछ पार्ट को, जिसमें से वो कौन सा पार्ट था, अंडमान निकोबार, ठीक है, अंडमान निकोबार आइसलैंड था एंड द तमिलनाडु कोस्ट, क्योंकि जो अंडमान निकोबार है उसके किनारे पर कौन सा पड़ता है, तमिलनाडु कोस्ट पड़ता है, ठीक है, तो वहां पर भी इसने हिट किया था। हेयर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल, तो यहाँ पर आपको कुछ कहानियां बताई गई हैं जो कि कुछ साहस की हैं और कुछ सर्वाइव करने की हैं, कि किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया कुछ लोगों ने, ठीक। डिड एनिमल्स सेंस दैट द सुनामी वॉज कमिंग, क्या जानवरों को यह महसूस हो जाता है कि सुनामी आने वाली है, सम स्टोरी सजेस्ट दैट दे डिड, ये स्टोरी हमें सजेस्ट करती है कि वो ऐसा महसूस करते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी, इसका फर्स्ट पार्ट है, दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। ये सारी जो कहानियां हैं वो कहाँ से हैं, अंडमान निकोबार से हैं। इग्नेशियस वॉज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्छल, तो कच्छल एक जगह है, वहां पर जो इग्नेशियस है वो एक कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का क्या है, मैनेजर है। हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 AM बिकॉज सी फेल्ट एन अर्थक्वेक, तो उनकी जो वाइफ है वो 6 बजे जग जाती है क्योंकि उन्हें भूकंप एहसास हो रहा होता है, भूकंप का, ठीक है। इग्नेशियस केयरफुली टूक हिज टेलीविजन
set off his table, its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. तो इग्निशियस जब क्या करते हैं कि जब उन्हें भी पता चलता है, उनकी वाइफ जग जाती हैं कि भूकंप आ रहा है, तो इग्निशियस क्या करते हैं, बहुत ही सावधानी से जो टेलीविजन है जो टेबल के ऊपर रखा होता है उसे सावधानी पूर्वक क्या करते हैं, टेबल के नीचे उठाकर ग्राउंड पे रख देते हैं ताकि कहीं ऐसा ना हो कि वो गिरे. ठीक, उससे क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है किसी और चीज को भी. सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, ताकि वो गिरे ना और टूट ना जाए. देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस, और उसके बाद जो पूरा परिवार है वो सारे के सारे बाहर दौड़ते हैं. When the tremors stopped, जब ये भूचाल, ये जो भूकंप है, इसके झटके बंद होते हैं, तब वो क्या देखते हैं, they saw the sea rising. तब वो देखते हैं कि समुद्र में बहुत उफान आ रहा है. In the chaos and confusion, और हर तरफ क्या होता है, चारों तरफ उन्हें वो भ्रमित हो रहे होते हैं, उन्हें भ्रम हो रहा होता है, फिर भी क्या है, वो दौड़ते हैं. ठीक है, two of his children caught hold of the hands of their mother's father एंड मदर्स ब्रदर एंड रश्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन. क्योंकि वो क्या है, काफी कंफ्यूज होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अपोजिट डायरेक्शन में भागते तो हैं बट अपोजिट डायरेक्शन में. और कौन कौन होते हैं, दो बच्चे होते हैं जो कि एक दूसरे का हाथ अपनी माँ का और अपने मम्मी के फादर का, मतलब कि अपने नाना का, और मदर्स ब्रदर मतलब अपने मामा का हाथ पकड़े होते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे होते हैं. ही नेवर सॉ देम अगेन. और जो वो भाग के गए होते हैं दूसरे डायरेक्शन में, तो जो यहाँ पर इग्निशियस उनकी वाइफ है, उन्होंने उन्हें दोबारा कभी फिर नहीं देखा. हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, और उसी में उनकी जो इग्निशियस की पत्नी है वो भी बह जाती है. ओनली द थ्री चिल्ड्रन, अदर थ्री चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव, और जो तीन जो दूसरे बच्चे रहते हैं जो उनके साथ इग्निशियस के साथ रहते हैं, केवल वही बच पाते हैं. ठीक है, उसमें कौन कौन खो जाते हैं, उनकी पत्नी, दो बच्चे और उनके ससुर और उनके जो साले रहते हैं, उनकी मदर के जो उनकी वाइफ के ब्रदर रहते हैं जो साले होते हैं. ठीक है, तो वो उसी में पानी में सुनामी में बह जाते हैं, बाकी तीन बच्चे इग्निशियस के साथ बच जाते हैं. अब ये दूसरा इंसिडेंट है, दूसरी कहानी है. संजीव जो कि एक पुलिसमैन रहते हैं, सर्विंग इन अ कच्छल आइसलैंड, जो कि वहां कच्छल आइसलैंड में ही नौकरी करते हैं, ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइसलैंड में. ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, वो किसी तरह से स्वयं को बचा लेते हैं एंड अपनी पत्नी को भी बचा लेते हैं, हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स. तो जो लहरें आई हुई होती हैं उनसे वे अपने बेबी डॉटर, छोटी सी बच्ची रहती है उनकी, और उनकी वाइफ और अपने आप को किसी तरह से कोशिश करके बचा लेते हैं. ठीक, बट देन ही हियर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन. मगर वो जॉन जो कि गेस्ट हाउस कुक है, ठीक है, उनके गेस्ट हाउस में कुक है जॉन, उनकी वाइफ की जब तेजी से आवाज सुनते हैं हेल्प के लिए, तो संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर, तो वह पानी में कूद जाते हैं उनकी जान बचाने के लिए. बट देवर बोथ स्विफ्ट अवे, मगर वो दोनों ही क्या है, पानी में बह जाते हैं और डूब जाते हैं. उसके बाद 13 ईयर्स ओल्ड एक मेघना है, वॉज स्विफ्ट अवे अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल. तो 13 साल की एक मेघना नाम की लड़की है जो कि बह जाती है अपने माता पिता के साथ और दूसरे 77 लोगों के साथ. सी स्पेंड टू डेज फ्लोटिंग इन द सी, और उसके दो दिन गुजरते हैं समुद्र में तैरते हुए. होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर, वो एक लकड़ी का डोर दरवाजा पकड़े होती है और उसी पे वो दो दिन तक तैरती रहती है समुद्र पर. 11 टाइम्स ही सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड, अपने सर के ऊपर से जो रिलीफ हेलीकॉप्टर होते हैं ना बचाव के लिए, तो उसको अपने पास से ये 11 बार गुजरते हुए देखती है. बट दे डिड नॉट सी हर, बट वो हेलीकॉप्टर्स वाले उसे देख नहीं पाते. सी वॉज ड्रॉव टू द शोर बाई अ वेव एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डेज, और वह एक लहर के साथ क्या होती है, लहर के साथ किनारे तक आ जाती है और बच जाती है. अलमास जावेद वॉज 10 ईयर्स ओल्ड, अलमास जावेद नाम का एक लड़का जो कि 10 साल का था. सी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कैरमेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पंप. तो उसके पोर्ट ब्लेयर में उसके फादर का एक पेट्रोल पंप था और वह पढ़ता था कैरमेल कॉन्वेंट में. हर मदर राहिलास होम वॉज इन नॉन कॉरी आइसलैंड, जो कि मैंने आपको मैप में दिखाया था, नॉन कॉरी आइसलैंड में उसकी जो माँ थी राहिला, उनका घर था.
द फैमिली हैड गोन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। तो पूरी फैमिली जो है वो वहां पर गई होती है किस चीज के लिए, क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए गई हुई होती है। ठीक। देन द ट्रिमोर्स कम अर्ली इन द मॉर्निंग, जब वो भूचाल आता है ना सुबह सुबह, तो क्या होता है, द फैमिली वॉज स्लीपिंग, उनकी अलमास की जो पूरी फैमिली थी ना वो सो रही होती है। अलमास फादर सॉ द सी वॉटर रिसीड, अलमास के फादर जग रहे होते हैं और वह क्या देखते हैं कि जो समुद्र का पानी है वो सुकुड़ रहा है, मतलब वापस जा रहा है। अच्छा, आप लोग ने ये ज्योग्राफी में ये चीज पढ़ी होगी कि जब भी समुद्र का पानी तेजी से, बहुत तेजी से पीछे हटने लगता है या कम होने लगता है किनारों से, ठीक है, तो ये संकेत होते हैं, ये किसका साइन होता है कि सुनामी आएगी। ठीक है, अक्सर ऐसा होता है कि ये इसकी जो अंदर की प्लेटें होती हैं वो खिसक रही होती हैं, जिसकी वजह से पानी जो है वो अंदर की तरफ चला जाता है समुद्र में, और फिर जब वो प्लेटें दोबारा टकरा के पलटती हैं तो बहुत तेजी से, बहुत पावरफुल वेव के साथ सुनामी आ जाती है। ठीक, तो उनके फादर ने यही देखा कि पानी क्या है पीछे हट रहा है, और वो समझ गया कि अब ये क्या है, बहुत ताकत के साथ वापस आएगा। ठीक, अंडरस्टूड दैट द वॉटर वुड कम रसिंग बैक विद अ ग्रेट फोर्स, बहुत ताकत के साथ अब ये वापस आएगा। ही वोक एवरी वन अप, उन्होंने सबको जगा दिया, एंड ट्राई टू रश देम टू अ सेफर प्लेस, और उन सबको सेफ जगह पे ले जाने के लिए वो कोशिश करने लगे और भागे। एज दे रैन, जब वो भाग रहे थे, हर ग्रैंडफादर वाज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग एंड ही फेल डाउन, जब वो भाग रहे थे तो उनके जो पिता है वो किसी चीज से, उनके सर पे कोई चीज टकरा गई, एंड ही फेल डाउन, और वो गिर गए। हर फादर रश टू हेल्प हिम, मतलब अलमास के जो फादर थे उनके फादर किसी चीज से टकरा गए, ठीक, और अलमास के जो फादर थे वो उनकी मदद करने के लिए भागे। देन केम द फर्स्ट जियांट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम, और जब उसके फादर अलमास के फादर अलमास के दादा को बचाने के लिए भागे थे, ठीक है, यहाँ पे दादा या नाना, यहाँ पर क्लियर नहीं है, यहाँ पर तो आई थिंक उनके नाना ही थे क्योंकि वह अपनी माँ के यहाँ गए हुए थे। तो जब उनको बचाने के लिए गए तो जो बहुत ऊंची एक लहर आई और जिसमें कि अलमास के फादर और अलमास के जो ग्रैंड फादर थे दोनों ही बह गए। अलमास मदर एंड आंट्स स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ अ कोकोनट ट्री, अलमास की माँ और अलमास की आंट, मतलब जो उनकी बुआ थी, वो भी बह गई। वो दोनों क्या थी, वो एक पेड़ के साथ जहां पर खड़ी थी उसी के साथ बह गई, क्योंकि वह उसी को पकड़कर खड़ी थी, कोकोनट ट्री को। ठीक है, अ वेव अपरूटेड द ट्री, क्योंकि उस लहर ने क्या किया, उस पेड़ को उखाड़ दिया। एंड देन टू वर वॉश्ड अवे, और दोनों को उसके पेड़ के साथ बहा ले गया। अलमास सॉ अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, अलमास ने एक तैरता हुआ लकड़ी का गट्ठा देखा। सी क्लाइम्ड ऑन, अलमास यहाँ पर लड़की है, सी क्लाइम्ड ऑन टू इट, और वह उस पर चढ़ गई। देन सी फेंटेड, और उसके बाद वो बेहोश हो गई, क्योंकि वो ये सब इंसिडेंट देख रही थी और डर के मारे वो बेहोश हो गई थी। When she woke up, और जब वह उठी, जब उसे होश आया, she was in a, hospital, in Kamota. तो वह कमोटा के एक हॉस्पिटल में थी, वहां पर उसकी आंख खुली। फ्रॉम देयर सी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, और जहां से उसे फिर पोर्ट ब्लेयर लाया गया। द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनी वन, वो छोटी लड़की किसी के साथ भी उस घटना के बारे में बात नहीं करना चाहती थी। सी इज स्टिल ट्रोमाटिस्ट, तो क्या है, वो अभी भी क्या थी, उस सदमे में थी जो कि इंसिडेंट उसके साथ हुआ था, उसमें सदमे में थी वो, तो इसलिए वह किसी से बात नहीं करना चाहती थी। ट्रॉमा किसे कहते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा धक्का आपको लगे, किसी चीज का शॉक्ड हो जाए, ठीक है, या बहुत ज्यादा आप डिस्टर्ब हो जाए, तो उसको हम ट्रोमाटिस्ट कहते हैं। सेकेंड पार्ट में इसमें बताया गया है, टिली स्मिथ एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल थी, ठीक, जो कि वॉज एबल टू सेव मैनी लाइफ वेन द सुनामी स्ट्रक, जो कि कामयाब हो गई थी। ठीक है, यहाँ पर एक टिली स्मिथ नाम की लड़की की कहानी है, जो कि समर्थ थी या वह कामयाब हो गई थी, काफी जाने उसने बचाई थी। थाईलैंड पे कौन सा, वहां पर एक बीच था, बीच का नाम यहाँ पर इन्होंने दे रखा है फुकेट बीच। ठीक, थो सी वॉज वोन अ नंबर ऑफ अवार्ड्स, और जिसकी वजह से उसको काफी अवार्ड भी दिए गए। हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड दियर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन द टेलीविजन,
हालांकि उनके माता पिता ने उसको इजाजत नहीं दी थी कि टेलीविजन पे इंटरव्यू दे, एंड मेड इन टू अ हीरोइन, और उसको मतलब एक हीरोइन की तरह प्रेजेंट किया जा रहा था। वाई डू यू थिंक दे टूक दैट डिसीजन? आपको क्या लगता है कि इस तरह का डिसीजन क्यों उसके माता पिता ने लिया था, क्यों नहीं वो अपनी बच्ची को सामने आने दे रहे थे? नाउ हियर इज अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। थाईलैंड से स्टोरी है क्योंकि पहले ही शुरू में हम लोग ने चैप्टर में क्या डिस्कस किया कि जो सुनामी ने हिट किया था वो थाईलैंड और इंडिया के कुछ पार्ट जो कि अंडमान निकोबार था और तमिलनाडु के कोस्ट पर हिट किया था। ठीक है, तो ये थाईलैंड के बारे में बता रहे हैं कि स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड। साउथ ईस्ट इंग्लैंड की एक फैमिली है स्मिथ फैमिली, जो कि क्रिसमस सेलिब्रेट करने आई थी एट अ बीच रिजॉर्ट इन साउथर्न थाईलैंड। साउथर्न थाईलैंड के एक बीच रिजॉर्ट में ये लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करने आए थे। टिली स्मिथ वॉज अ 10 ईयर्स ओल्ड स्कूल गर्ल। ये 10 साल की एक स्कूल गर्ल थी टिली स्मिथ। हर सिस्टर वॉज 7 ईयर्स ओल्ड और उसकी जो एक सिस्टर थी वो 7 साल की थी। डियर पेरेंट्स वर पेनी एंड कोलिन स्मिथ। उनके माता पिता का जो नाम था वो पेनी और कोलिन स्मिथ था। इट वॉज 26 दिसंबर 2004, तारीख थी 26 दिसंबर 2004। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे। जो जानलेवा सुनामी की लहरें थी वो अपने रास्ते में ही थी। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाई अ मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्थन सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग। और उसी सुबह उसने नॉर्थन सुमात्रा में बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी। द वॉटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन। जो पानी था वो उफान पे आ रहा था, उठ रहा था ऊपर और आगे बढ़ रहा था। पेनी स्मिथ रिमेम्बर्ड। पेनी स्मिथ को याद आया द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। आई डिडेंट नो वॉट वॉज हैपनिंग। उनको याद आता है कि द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर, कि जो बीच का किनारे था वो क्या हो रहा था, छोटा हो रहा था। मतलब कि पानी जो है अंदर की तरफ जा रहा था और छोटा होता जा रहा था। आई डिडेंट नो वॉट वॉज हैपनिंग और वह नहीं समझ पा रही थी कि क्या हो रहा था। बट टिली स्मिथ सेंस दैट समथिंग वॉज रॉन्ग। मगर टिली समझ गई थी कि कुछ गलत हो रहा है। ठीक है, हर माइंड केप्ड गोइंग बैक टू द ज्योग्राफी लेसन। उसके दिमाग में उसके ज्योग्राफी लेसन की एक बात याद आई कि सी हैड टेकन इन इंग्लैंड, जो कि उसने इंग्लैंड में पढ़ा था। जस्ट 2 वीक्स, 2 हफ्ते पहले ही सी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली। जब अपनी फैमिली के साथ वो थाईलैंड आई थी, उससे 2 हफ्ते पहले ही उसने अपने अपने कंट्री इंग्लैंड में ज्योग्राफी लेसन में पढ़ा था ये कि टिली सॉ द सी स्लोली राइज। टिली देख रही थी कि समुद्र किस तरह से धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। एंड स्टार्ट टू फॉर्म, और उसमें झाग बन रहा था। बबल्स एंड फॉर्म वर्पुल, उसके अंदर झाग बनता जा रहा था और वो गोल गोल घूम रहा था। ठीक, सी रिमेम्बर्ड दैट सी हैड सीन दिस इन द क्लास इन अ वीडियो ऑफ अ सुनामी। तब उसको याद आया कि उसने इस तरह का एक सुनामी का जो वीडियो है वो अपने क्लास में देखा था। दैट हैड हिट द हवाई आइसलैंड इन 1946। तो 1946 में भी हवाई आइसलैंड में एक इसी तरह का सुनामी आया था जिसका वीडियो उसकी क्लास में दिखाया गया था। तो उसको वो वीडियो याद आ रहा था। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो। उसके ज्योग्राफी टीचर ने उनको वीडियो में यह दिखाया था। एंड टोल्ड देम दैट सुनामीज कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक, और बताया था कि सुनामी का जो कारण है वो अर्थक्वेक है, वोल्केनो है और लैंड स्लाइड है। ठीक, टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। टिली अचानक से जब उसको ये सब समझ में आया तो वह बहुत तेजी से चिल्लाने लगी और अपनी फैमिली को उसने चिल्लाते हुए बीच से हटने को कहा। सी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी। वह कह रही थी कि समुद्र के अंदर अर्थक्वेक आ रहा है। सी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल। वह बहुत ज्यादा घबरा रही थी और वह चिल्लाती जा रही थी। सेड हर मदर पेनी। उसकी माँ पेनी कहती है आई डिडेंट नो वॉट अ सुनामी वॉज। मुझे नहीं पता कि सुनामी क्या होता है। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेन, मगर अपनी बेटी को इतना घबराया हुआ देखकर आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन। मुझे समझ में आ गया था कि कुछ बहुत ज्यादा सीरियस हो गया है। टिली पेरेंट्स टूक हर। टिली अपने पेरेंट्स को लेकर और हर सिस्टर अपनी बहन के साथ बीच से भागती है टू द स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल की तरफ जो कि होटल में होता है। अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट आल्सो लेफ्ट द बीच विद देम, और उस बीच पर जो और दूसरे भी टूरिस्ट रहते हैं वो भी वहां से चले जाते हैं। देन इट वॉज एज इफ द इंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम। आई वॉज स्क्रीमिंग रन।
और तभी वो देखते हैं कि जो है सुनामी बहुत ताकत के साथ, उन्होंने उसका सफलतापूर्वक क्या किया, सामना किया। और वो लोग क्या है, सुनामी की जो लहरें थी वो ऐसा लग रहा था कि उनके जस्ट पीछे पीछे आ रही हैं, ठीक है। एंड आई वॉज स्क्रीमिंग डाउन, और मैंने तेजी से चिल्लाते हुए कहा भागो, मतलब यहाँ टिली स्मिथ की बात कर रही है। उसको ऐसा लग रहा था कि समुद्र की लहरें उनका पीछा कर रही हैं, बिल्कुल इतनी रफ्तार से वो आ रही थी। और टिली ने चिल्ला कर कहा कि भागो, द फैमिली टूक रिफ्यूजी इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल। तो होटल के थर्ड फ्लोर पर सब लोग ने शरण ले ली, वहां पे जाकर ठहरे। द बिल्डिंग विद स्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामीज वेव। तो जो बिल्डिंग थी वो सुनामी की लहरों को का सामना करने में कामयाब हो गई। इफ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, अगर वो बीच पे ठहरे रहते दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, वो जिंदा नहीं रह सकते थे। सॉरी। द स्मिथ लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिली। तो बाद में स्मिथ जो है वो मिले दूसरे टूरिस्ट से जिन्होंने अपने पूरी पूरी फैमिली को खो दिया था, थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन। और उन्होंने टिली को धन्यवाद दिया और उसके ज्योग्राफी लेसन को, दे हैड बीन फॉरवॉर्न्ड, जिसने उसको इसके पहले में पहले से ही चेतावनी दी। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड। जब इंग्लैंड में वापस पे अपने स्कूल गई टिली, द एंड टोल्ड हर क्लासमेट हर टेरिफाइंग टेल। और जब उसने अपनी ये भयावह कहानी उन लोग को, अपने क्लासमेट को सुनाई। थर्ड पार्ट है जिसमें इन्होंने बताया, लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द बॉय। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं इस बॉय की तरफ, एंड हिज डॉग, और उसके साथ एक डॉग भी है। एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द थिंग्स दैट यू सी, और डिस्क्राइब करने की कोशिश कीजिए आप ये जो चीज देख रहे हैं, यूजिंग जस्ट वर्ड एंड फ्रेसेस, ठीक है। यहाँ पर ही बताया गया है कि ये देखिए कि क्या है ये, ये भी एक सुनामी से हिट हुआ एक बच्चा है जिसने उस सुनामी इंसिडेंट को देखा था, और उसके साथ एक डॉग भी था। और इसके बारे में आप जो भी वर्ड या फ्रेज, आपको जो भी आप फील कर रहे हैं वो आप लिख सकते हैं। तो थर्ड पार्ट में इन्होंने देखा है, बिफोर द जियांट वेव स्लैम इन टू द कोस्ट इन द इंडिया एंड श्रीलंका। तो श्रीलंका और इंडिया के जो कोस्ट है उस पर जब लहरें जो है, बड़ी बड़ी लहरें आकर टकराई, उससे पहले जो है वाइल्ड और डोमेस्टिक एनिमल, जितने भी जंगली और जो पालतू जानवर थे, सीम टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन। उनको ये समझ में आ गया था कि क्या होने वाला है, ठीक है। दे फ्लेड टू सेफ्टी, वे अपनी सुरक्षा के लिए भागे। एंड अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट, और जिन लोगों ने ये देखा, एलिफेंट स्क्रीम्ड एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड, और एलिफेंट जो है वो चीख रहे थे, रैन फॉर हायर ग्राउंड, और वह ऊंचाई पर जाने के लिए दौड़ रहे थे। डॉग रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, और जो कुत्ते थे वो बाहर की तरफ भाग रहे थे। फ्लेमिंगो अबंडेंट डियर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज, और जहां पर वो नीचे रहते हैं फ्लेमिंगोज जो बर्ड्स हैं, वो ऊंचाई पर उड़ना स्टार्ट कर दिया। एंड जू एनिमल्स रश्ड इनटू देयर शेल्टर्स, और जो जू में जो एनिमल्स थे वो अपने अपने शेल्टर से भाग गए। एंड कुड नॉट बी इंटेंस टू कम बैक आउट, मतलब यहाँ पर ये बताया गया है कि जो जानवर एनिमल्स होते हैं उनको ये चीज फील हो जाती है पहले से, क्योंकि उनके जो सुनने की कहीं ना कहीं जो पावर होती है वो ह्यूमन से ज्यादा होती है। और जो हल्की सी भी अर्थक्वेक की आवाज होती है या जो भी उनको महसूस होता है, वो बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि कोई ना कोई घटना होने वाली है। और इसीलिए जितने भी जानवर हैं, पक्षी वगैरह हैं, वो सब अपने अपने सेफ जगह पर भागने लगते हैं और वे अपने आप को बचा लेते हैं। मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल पॉसेस अ सिक्स सेंस, बहुत सारे लोग मानते हैं कि जानवरों के पास क्या होता है, छठी इंद्री होती है। एंड नो वेन द अर्थ इज गोइंग टू सॉक, और वो जानते हैं कि कब जो है ये पृथ्वी हिल रही है। सम एक्सपर्ट बिलीव दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स देम टू हियर टू फील एंड द अर्थ वाइब्रेशन। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि एनिमल्स के पास ज्यादा सुनने की ताकत होती है, जिससे कि वो सुन या महसूस कर सकते हैं अर्थ की वाइब्रेशन को। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमन रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन, और वह उस चीज को महसूस कर सकते हैं जो आने वाली तबाही है, डिजास्टर है, ठीक है, आपदा है, उसको बहुत पहले से ही महसूस कर सकते हैं। जब उसको ह्यूमन रियलाइज करेगा ना, उससे बहुत पहले वो उसको महसूस कर लेते हैं। वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल हैव अ सिक्स सेंस और नॉट, हम इस चीज के बारे में श्योर तो नहीं है कि जानवरों के पास छठी इंद्री होती है नहीं, बट द फैक्ट इज दैट द जियान वेव्स दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशियन किल्ड मोर देन 150,000 पीपल इन द डजन कंट्रीज।
कि हम ये कह सकते हैं कि लगभग 1.5 लाख लोगों की भी जो है मृत्यु हो गई थी। किंतु आपने यहाँ पे देखा होगा कि कोई भी नॉट एनिमल हैव बिन रिपोर्टेड, रिपोर्ट ये नहीं मिली कि कोई भी जानवर मरा हो। इसका मतलब कि सारे ही जानवर पहले से ही भाग गए थे और अपने सेफ प्लेस पे पहुंच गए थे। अलोंग इंडिया कडलोर कोस्ट वर 1000 ऑफ पीपल पेरिश्ड। और यही नहीं, जो कडलोर कोस्ट था इंडिया का, वहां पे भी 1000 लोग जो है बफेलो पेरिश्ड, गोट और डॉग वर फाउंड अनहार्म्ड। वहां पे भी काफी लोग जो है बिना नुकसान के पाए गए हैं। एंड द याला नेशनल पार्क जो है श्रीलंका में इज होम टू अ वैरायटी ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग एलिफेंट्स। और ये बहुत सारे जानवरों का घर है, जैसे कि अलग अलग जानवर इसमें कौन कौन से आते हैं। याला नेशनल पार्क जो कि श्रीलंका में है, एलिफेंट, लियोपर्ड है और लगभग 130 स्पीसीज है बर्ड्स की। 60 विजिटर्स वर वॉश्ड अवे फ्रॉम द पतानांगला बीच इन साइड द पार्क। तो इस पार्क में यहाँ पे बताया गया है कि वो बह गए थे, लगभग 60 विजिटर्स थे जो कि इस पार्क में थे और वो बह गए थे यहाँ से। बट नो एनिमल्स कैरकासेस वर फाउंड, मगर किसी भी जानवर के हताहत होने की कोई खबर नहीं आई, एक्सेप्ट फॉर टू वाटर बफेलोज। केवल जो पानी में रहने वाले जो बफेलोज हैं, केवल उनके दो की खबर आई कि ये जो दो हैं उनके जान को नुकसान हुआ है, बाकी किसी के बारे में नहीं सुनने को मिला। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, लगभग सुनामी के आने के 1 घंटे पहले, पीपल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व 3 एलिफेंट रनिंग अवे फ्रॉम द पतनांगला बीच। कुछ लोगों ने वहां पर ये नोटिस किया था याला नेशनल पार्क में कि जो 3 एलिफेंट थे वो तेजी से भाग रहे थे, कहाँ से, पतनांगला बीच से। अ श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर द गैली सेड हिज टू डॉग्स वुड नॉट गो फॉर दियर डेली रन ऑन द बीच। श्रीलंका में एक जेंटलमैन थे, उन्होंने भी बताया कि डेली वो बीच पर अपने डॉग्स, दो कुत्तों के साथ रन पर जाते थे, बट उस दिन उनके जो डॉग्स थे वो जाने के लिए तैयार नहीं थे। दे आर यूजली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग। वो जबकि नॉर्मली क्या होते थे, वो यहाँ पर बीच पर रनिंग करने के लिए, वॉक करने के लिए बड़े एक्साइटेड रहते थे उनके डॉग, ही सेड, उन्होंने कहा। बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज टू गो, उन्होंने जाने से मना कर दिया उनके डॉग्स ने, एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ, और जिसकी वजह से जो जेंटलमैन थे उनकी भी जान बच गई थी। और इस तरह से कंप्लीट होता है आपका ये चैप्टर द सुनामी, जिसमें कि आपको अलग अलग जगह से अलग अलग लोगों की कहानियां बताई गई हैं और इसी से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आया हो। कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इसके अलावा मैं बता दूं कि क्लास 8 के मैथ के सिलेबस को भी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। हम चैप्टर 1 पढ़ चुके हैं और चैप्टर 2 के एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने इन्हें देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।